2014 से जब से इस मुल्क पर बीजेपी हुकूमत इंतदार में आई है, वाज़े तौर से ये देखने में आ रहा है कि जितने भी ऐसे मराकिस जहाँ से इस्लाम की तबलीग होती है, ऐसे जहाँ पे जहाँ से इस्लाम के लिटरेचर की नशर व इशाअत होती है, ऐसे मराकिस पर जो है बीजेपी हुकूमत जो है शिकंजा कसने का काम कर रही है। माजी में कोरोना के नाम पर जो है तबलीगी जमात पर जो है पाबंदी आयद की गई, ऐसे ही IRF सेंटर पर जो है वो पाबंदी आयद की गई, और हाल ही में जो UP में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का वाक़या हुआ, मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बड़े मुबल्लिगे दीन है और बड़े मिलनसार तबीयत के मालिक है, लेकिन जिस तरीके के संगीन इल्ज़ाम लगाकर UP ATS ने उन्हें गिरफ़्तार किया, ये काबिले मजम्मत है। आज हम लोग यहाँ पर कुल जमाती तंजीम के साथ आकर यहाँ के मुकामी इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम दिए कि आने वाले वक्तों में जल्द से जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है गिरफ़्तार जो किया गया है वो जल्द से जल्द यूपी हुकूमत उन्हें रिहा करे और उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को वापस लें। अगर आने वाले वक्त में इस कोई कार्रवाई यूपी हुकूमत की जानिब से नहीं होती है तो मालेगांव शहर के में कुल जमाती तंजीम की जानिब से वाज़े तौर से एक बड़ी तहरीक का इशारा दिया गया है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से, हम लोग जब भी कुल जमाती तंजीम किसी तहरीक को शुरू करेगी हम लोग उसके साथ रहेंगे, और साथ ही साथ जो दूसरा मुतालबा था कि आसाम में ज़मीन खाली कराने के मामले में जिस तरीके से निहत्ते मुसलमानों पर गोलीबारी की गई और लाश की बेहुरमती की गई, ऐसे वाक़यात की मजम्मत के तहत आज जो कुल जमाती तंजीम ने यहाँ वफ्द की शक्ल में आकर मेमोरेंडम दिया, आगे किसी भी तरीके की जो भी तहरीक होगी इन दोनों मामला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुल जमाती तंजीम के साथ शाना बशाना रखा। फ़ज़्ल व करम है कि आज जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उस मकसद में कामयाबी दी। आज का ये जो मेमोरेंडम देने का प्लान था या जो हमारा आपस में मशवरा हुआ था, इसमें तमाम ही मसलक के लोग, तमाम ही मिल्ली तंजीमें, तमाम ही शहर के लोगों की मुख्तलिफ जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, नाम लेकर के कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी हो MIM हो और जनता दल है, जितने भी यहाँ पे सियासी पार्टियों के लीडरान मौजूद हैं या जिन लोगों ने भी अपनी हिमायत कुल जमाती तंजीम को दी है, मैं कुल जमाती तंजीम की तरफ से आए हुए तमाम ही सियासी लीडरान, समाजी और मीडिया के लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और दीगर ज़राए से, दीगर महकमे से जो लोग भी हमारी हिमायत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं कुल जमाती तंजीम की तरफ से शहर की तमाम ही सियासी, समाजी, मिल्ली और तमाम तंजीमों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हुए हमारे पत्रकार भाई जो इन लोगों ने भी हमें कवरेज दिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, कुछ जमाती तंजीम की तरफ से मैं उन तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़कत वसलाम। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।